जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित कराने का मेरा अहंकार गिर कर चूर चूर हो गया, परंतु मेरे मन में यही चलता रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर लें। यह सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ। उन्हें याद करते ही पीताम्बरधारी श्री हरि विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब विष्णु जी मुझसे पूछने लगे कि मैंने उनका स्मरण किस उद्देश्य से किया था। यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो कृपया मुझे बताओ, मैं उस दुख को मिटा दूंगा। तब मैंने उनसे कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर लें अर्थात विवाह कर लें तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिव जी ही सबके कर्ता और भर्ता हैं। वे ही इस संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही पार ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, अद्वितीय, अनंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी हैं। तीनों गुणों का आश्रय देने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से दूर एवं माया से रहित हैं। भगवान शिव योग परायण और भक्त वत्सल है। हे विधे, जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया था, उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी तीन रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा और वह श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप सरस्वती का होगा और वे ब्रह्मा जी की पत्नी होगी। देवी सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहां से अंतर्धान हो गए। समय आने पर हम दोनों ब्रह्मा विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ। भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसा कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होंगी, जो साक्षात शिवा रूप है। अतः तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो। वे देवेश्वरी प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देंगी। इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर उनकी स्तुति करो। यदि शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेंगी। तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वरण कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करेंगी। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अतएव तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करना आरंभ करें। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगी। देवी सती ही महादेव को विवाह सूत्र में बांधेंगी। शिवा और शिवजी दोनों निर्गुण और परम ब्रह्म स्वरूप हैं और अपने भक्तों के पूर्णतः अधीन हैं। वे उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ।
क्योंकि मुझे मेरे दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड का 10वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।